राजस्थान के मुख्यमंत्री गृह मंत्री है, और हमारे मुख्यमंत्री जी एक मंत्री के ऊपर इतना इकबाल भी नहीं है उनका कि कम से कम वो इस मुकदमे से पहले मेरी जानकारी तो ले लेते कि ये मामला क्या है। और एक ऐसा आदमी जिसे लोगों के साथ इस तरह की चीट करता है, मैं उसको जानता हूँ। और मैं गहलोत साहब से विशेष करना चाह रहा हूँ कि मैं उन्होंने वो पिछली सरकार में उनके साथ काम किया था, और इस सरकार में मैंने उनके साथ काम किया है, अभी भी कर रहा हूँ उनके साथ। और इस मामले में कोई मंत्री के ऊपर मुकदमा हो और मुख्यमंत्री जी की जानकारी के बिना नहीं हो सकता, गृह होम भी उन्हीं के पास है, और इस तरह के मामले में वो महिला अपने दो बच्चियों को लेके और आत्महत्या करने की स्थिति में थी। और इसमें मैंने तो मेरे पास पैसे की व्यवस्था भी नहीं थी, मैंने तो इधर कैसे एक दो लोगों से कह के मंगवा के मैंने उसकी व्यवस्था करवाई। और मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को कहना चाहूँगा कि आप अपनी टीम के ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास रखो और उसकी जानकारी लो कि क्या था। वो महिला मर सकती थी, उसके बच्चों की शादी थी, उसने मुझे ये कहा था मैं मेरी बच्चियों को दोनों को साथ सुसाइड कर लूँगी। तो ऐसे जगह मेरे पास उस महिला की मदद करने के लिए कोई रास्ता नहीं था, और इसके लिए मैंने उस आदमी को, वो तो चित्र है, इस तरह के लोग जब मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने लग जाएंगे, उसका तो हाथ तो पहले से टूटा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ था उसकी उसका उसमें उसका हाथ टूटा हुआ था, क्या पिटाई उसकी पिटाई करता है। तो अगर आली कहे भाभी जी थोड़ा बहुत बात हुए तो मैं कुछ करूँ, मन के भी रो आदमी आया कोई मेरा कहने को मन में के बताऊँ थाने लुगाई कन गया किते? हाँ, लुगाई कने भी कई बार जाया या। ना के था बा? लुगाई आया कहे भाभी साहब मेरा तो कहना मानने को नहीं आता, मन पहली बेर हो तो मैं पहली बता देती हूँ आदमी आया को है थे ही कन पलोट लियो ही क्यों मान के ध्यान हो आन को है थे पहली बताता माने जत कह भाई साहब तो आदमी आन को ही है थारा पिस्सा भी थोड़ा बहुत हुआ तो मैं दू अत्ता अत्ता पिस्सा तो मैं भी कौन दे सकूँ। आपको अंजू कंवर। आप बताओ क्या बात हुई? प्लॉट लिया था 2015 में। अच्छा, उसकी बहन की शादी थी ना की ठीक है लिया की बहन की शादी मारकन लिया अंजू कंवर का कौन लिया जितेंद्र सिंह अंजू कंवर का ना गब्बर सिंह नीम का था ना पैसा लिया या प्लॉट लिया? प्लॉट लिया हमें थे लिया अभी कैसे? अच्छा, तो उन पूरा तो पैसा दे दिया दे दिया 6.5 लाख रुपया दिए है 6.5 लाख रुपया दे दिया पूरा पेमेंट दे कितना दिनों का दिया 2015 में दिया हाँ 15 में दिया हाँ अरे फिर वो प्लाट दे दियो कि थाने प्लाट कौन दियो प्लाट को कब्जो भी कौन दे पिसा भी कौन दे दो कई बार जाया या मेरे घर आ भी जाया या और कई बार भी घर वाली मिलती वो घर मिलता कौन है तो कई बार जा कर आ गया कदे तो कुछ बहाना काट दे मग चलो जी थे प्लॉट तो दिखाओ मन बैठ चाल के तो दिखाओ मन तो मार देगा और वो कर देगा और रिश्ते लाग गई है अरे मन मरा वो चाहो हो के एक दिन तो आया बोले एक दिन बोले मेरा लाग रही है मैं जा कौन सकूँ जब कौन गया फिर एक दिन में जीजो सार में तीन जाना गया जब बैठो और आ गया बोले कोई गब्बर सिंह को प्लॉट कौन है कोई उनमें एक बार बैठ लिया तो दिखा दो फिर मैं बोले है जिथे चाल अरे एक बार प्लॉट तो दिखाओ थे मारकन पूरा पिस्सा ले लिया प्लॉट कौन दिखा रहा जन कहे भाभी जी मन मरा बोई चाहो कि तो मैं कौन जा सकूँ बैठे फिर कौन गया भाई और मैं कई बार का घर जा रह गया अब 50,000 तो अलग ले लिया मेरे कने वे भी कौन दे रहा नहीं प्लॉट देवे नहीं प्लॉट को कब्जो देवे कई साल होगी टोलता मान यही करवाओ कहीं भी नहीं मैं तो आत्महत्या करके मरूंगी मेरे तो नहीं तो मकान है नहीं मेरे को मेरे तो सासू तो न्यारी बीमार रहे ना मेरे आदमी मेरे बेरोजगार बैठो साहब मैं कहीं से क्या करूंगी मेरे आप रहा कहीं से पेट पालूंगी नहीं मैं तो मरूंगी और कुछ भी कुछ आ रहा कौन है मेरे कन तो इस आगे बहुत अब दो लड़कियां शादी मेरे कन और कि मैं गहलो को अब
जब मैं मंत्री जी का पग पकड़ा, मंत्री जी मैंने कहना मेरे पलौट को के तो पैसा दिवाओ और के फैसलों की करवाओ यहीं को। जब मंत्री जी मैंने 3.5 लाख रुपया को सहयोग दिया और घर लड़कियाँ की तो शादी करो, जो बन में धन्यवाद दूँ भाई भगवान बापू पर लो करो, जो मेरी लड़कियाँ का मैं फेरा तो करूँगी और उनको सत्यानाश जाऊँगा, दीपक जड़ा कोई लोई मत मिलो, मैं तो यह कहूँ मेरी आत्मा। मंत्री जी आपके जेब आपके कन्ने से दिया गया रुपया था? आपको ना से दिया मंत्री जी मैंने 3.5 लाख रुपया, तो लड़कियों की शादी तो करो थे 3.84। हाँ 3,84,000 रुपया, तो लड़कियों की शादी तो करो, तो मैं लड़कियों को सहयोग दूँ और एक सत्यानाश जाओ, मैं तिया कहूँ गब्बर सिंह को। मैं दुर्गा सिंह शेखावत, गांव ककराना, तहसील उदयपुरवाटी, हाल निवासी नीमका थाना, वार्ड नंबर 31। मेरे साथ जो घटना घटी, मेरा अपहरण हुआ, वो 27 तारीख को मेरे पास 12:15 बजे की समथिंग राजेंद्र गुड्डा, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार का फोन आया कि आप कहाँ पर हो, तो मैंने बताया कि मैं घर पे ही हूँ, नीमका थाना हो ककराना, मैंने बताया नीमका थाना। उन्होंने फोन काट दिया, फोन काटने के बाद में आधे घंटे पौन घंटे के समथिंग वापस वो वहाँ से आते हैं अपने मेरे जाते के साथ में, एक अपनी पर्सनल गाड़ी सरकारी, उसके साथ में लाल कलर की थार गाड़ी और उसके साथ में एक पुलिस की गाड़ी वो लेके आते हैं और मेरे को गेट खुड़काते हैं। गेट खुड़काने के बाद में मैं गेट खोलता हूँ, खोलते ही मेरी कॉलर पकड़ के और गाड़ी में डाल लेते हैं, नंगे पैर टी शर्ट और पजामे में मैं था और मेरे को वहाँ से नीमका थाना से लेके गिरावड़ी फार्म हाउस पे ले जाते हैं। गिरावड़ी फार्म हाउस पे ले जाके रास्ते में उदयपुर वाटी CI को फोन करते हैं कि मैं किसी को लेके आया हूँ, तो आप अगर कोई हलचल हो तो उदयपुर वाटी थाने में इसको ले जाना, इसके ऐसा कोई मुकदमा लगाओ ताकि ये 6 महीने अंदर चला जाए, और मैं अभी गिरावड़ी फार्म पे हूँ, कोई बात होगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। फिर बाद में अन्य जगह भी इसने फ़ोन लगाए, मेरे को कहीं फ़ोन नहीं करने दिया, मेरा फ़ोन घर पे ही रह गया। वहाँ जाके अपने फ़ोन से मेरे भाई को फ़ोन करवाया, फ़ोन करवा के बोला कि अगर इसकी जान सलामत चाहता है तो तू गिरावड़ी फार्म हाउस पे आ जा। गिरावड़ी फार्म हाउस पे भाई के साथ में एक मेरे काकूसा का लड़का, दोनों आए। उन्होंने मेरी राजेंद्र गुड्डा ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, इन लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मारपीटी की, धमकाया, और इनका जो PA है करसन सिंह, उसने मेरे को कहा कि जो ये कह रहे हैं वैसे कर ले, नहीं तो तेरे को मार देंगे। मैं घबरा गया, घबराने के बाद में मेरे को काफ़ी उन्होंने अलग अलग जो उनके साथी थे वो आके धमकाने लगे, वो भी खुद भी कहने लगा कि आपको पता है मेरा नाम राजेंद्र गुड्डा है, सब जानते हैं। और